हाय दोस्तों, आई एम वैभव शर्मा, आई एम पार्ट ऑफ इम्पैक्ट एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की लाइन में हैं, आपको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, अब आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस स्लो चल रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं कहीं पर अटका हुआ हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आ रही है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। मैं आज आपको एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट देना चाहता हूं। अगर ये 5 पॉइंट का चेकलिस्ट आपका रेडी है तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कहीं पे रुकने नहीं वाले हो, हमेशा आगे ही बढ़ोगे। बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये 5 पॉइंट की चेकलिस्ट में से कुछ ना कुछ जरूर मिसिंग होगा, तभी आप कहीं पर अटक रहे हो। तो ये एक एडवांस वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है कि जो स्टार्ट तो कर दिए हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको रोक के रखा हुआ है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट की फॉर्मूले बताने वाला हूं जो आपको रुकने नहीं देगा, आगे ही बढ़ाएगा और आपका बिजनेस को आगे लेके जाएगा। आई होप यू आर रेडी फॉर दिस वीडियो। पूरा वीडियो देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं एक हमेशा एक चीज आप लोगों को बोलता हूं कि मैं जो कंटेंट लेके आता हूं वो वही लेके आता हूं जो इंडस्ट्री में चल रहा है और लेटेस्ट कंटेंट होता है। तो कोई भी वीडियो हमारा मिस मत कीजिए, कोई भी हमारा सेशन मिस मत कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उस पर आपको पूरा बेनिफिट मिलता रहे और पूरा लर्निंग आपको मिलता रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कौन से वो 5 पॉइंट हैं जो आपके बिजनेस को रुकने नहीं देंगे और आगे ही बढ़ाएंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? आई होप यू आर रेडी। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपका बेसिक सेटअप क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए, वो आपको चेक करना है। वेबसाइट आपका रेडी है, आपका आईसी रेडी है, आपका आरसीएमसी रेडी है, ये सारे बेसिक्स में आते हैं, जीएसटी रेडी है आपका, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। ये मिसिंग है तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सब बेसिक्स सब आपका कंप्लीट रेडी होना चाहिए, अगर नहीं है तो देखिए कहाँ पे क्या मिसिंग है, उसको ठीक कीजिए। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपका पूरा सोशल प्लेटफॉर्म पूरा रेडी होना चाहिए, डिजिटल एंड सोशल प्लेटफॉर्म पूरा रेडी कंप्लीट होना चाहिए आपका। उसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल एंड सोशल में क्या क्या आता है, आपका वेबसाइट, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका लिंक्डइन अकाउंट, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, तो जितने भी ये सोशल मीडिया के मेन प्लेटफॉर्म है वो सब रेडी होने चाहिए। आपका ईमेल आईडी कौन सा है, ईमेल आईडी ऑब्वियसली बिजनेस मेल आईडी होना चाहिए, तो ये सब आपको रेडी करना है। अगर नहीं है कोई भी चीज मिसिंग है तो ये कंप्लीट कीजिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, आपका जो B2B और ट्रेड पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट होना चाहिए, लोगों का नहीं होता है। आपका जो प्रोफाइल है, आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो डिटेल्स है वो सब कंप्लीट होना चाहिए सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स पे, बहुत सारे पोर्टल, टॉप के जो 15-20 पोर्टल हैं उन सब पे आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए, अलीबाबा, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, कनेक्ट टू इंडिया, ये जितने भी मेन 8-10 पोर्टल्स हैं सब पे आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए, सब पे आपका प्रोफाइल, आपके प्रोडक्ट, आपके फीचर्स, आपकी सर्विसेज, आपका लोकेशन, वो सब मैप्ड होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपका मार्केट में एक रेपो भी बनेगा, एक ट्रस्ट फैक्टर भी डेवलप होगा और आपकी एक्सेसिबिलिटी भी रहेगी, लोग आप तक पहुंच पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि आपका ट्रेड पोर्टल B2B सेटअप पूरा रेडी होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट चेकलिस्ट का है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। कोई लीड आई कहीं से, कोई कॉल आ गया, कोई मैसेज आ गया, उसके बाद उसको प्रॉपर मेंटेन रखना है, उसके लिए प्रॉपर शीट बना के रखिए, गूगल में शीट बना सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, उसमें प्रॉपर क्लाइंट का डेटा मेंटेन होना चाहिए, कौन सी इंक्वायरी आई है, कौन से प्रोडक्ट के लिए आई है, कौन सी इंक्वायरी कौन से प्रोडक्ट के लिए आई है और कौन से कंट्री से आई है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये डेटा रेडी होना चाहिए। और उसी में आपका एक FAQ का डेटा भी रेडी होना चाहिए, उसके क्या क्वेश्चंस थे, तो जितने क्वेश्चंस आते जा रहे हैं लोगों के वो आपका एक अलग मेंटेन होना चाहिए पूरा। तो उससे क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लोगों के वो आपके पास रेडी हो जाएंगे, एंड यू विल बी रेडी मेंटली टू आंसर देम। तो ये फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका पूरा डेटाबेस रेडी होना चाहिए, उसको मेंटेन करना है प्रॉपर और उसको आगे फॉलोअप भी करना पड़ेगा, इसलिए वो सब रेडी होना चाहिए। और एक FAQ की शीट रेडी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, वो आपको हेल्प करने वाला है। फिफ्थ पॉइंट,
अब ये सब पॉइंट, चार पॉइंट जो मैंने आपको बताए कॉमन पॉइंट है, सभी ये फॉलो कर रहे हैं, सबके पास ये इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कि भाई ये सब तो रेडी होना ही चाहिए, तो फिर आपके पास एडिशनल क्या है? तो फिफ्थ पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट वो है कि एडिशनल आपको क्या क्या करना है, एडिशनल आपको क्या तैयारी करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ आइडिया मैं आपको देता हूँ। आपके पास कुछ सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, कहीं से कुछ अवार्ड मिला है वो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हमारे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने मेंबर्स को एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके बेस पे काफ़ी ट्रस्ट डेवलप होता है मार्केट में, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में। ऐसे कोई सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस जितने भी आपको मिले, अवार्ड मिले, सर्टिफिकेट मिले, वो सब आप एडिशनल में डालिए, ये एडिशनल पॉइंट में, और आपको अपनी वेबसाइट पर लगा के रखना है। कोई भी कम्युनिकेशन आप करेंगे, कोई भी मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ये लिंक आप जरूर दीजिए कि अवर सर्टिफिकेशंस एंड अवर अवार्ड्स। तो वो लिंक पर जब वो क्लिक करेगा तो उसको सारे सर्टिफिकेट और अवार्ड आपकी वेबसाइट पर दिखेंगे। ये पांच पॉइंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। बेसिक्स में आपका पूरा बेसिक सेटअप रेडी होना चाहिए, सोशल में आपका पूरा सोशल मीडिया सेटअप रेडी होना चाहिए विद डिजिटल सेटअप। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि ट्रेड पोर्टल एंड B2B सेटअप रेडी होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका DBMS रेडी होना चाहिए विद FAQ। एंड फिफ्थ पॉइंट, एडिशनल में आपको कुछ सर्टिफिकेट, कुछ अवार्ड, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करना है। ये पांच पॉइंट का फॉर्मूला अगर आप लेके चलेंगे, ये पांच पॉइंट अगर आपने चेकलिस्ट यूज की, तो आप कहाँ पे मिसिंग है आपको पता चलेगा, और ये सब कुछ अगर रेडी है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग आपको सामने से ढूंढते हुए भी आएंगे, लोग आपके साथ काम करना भी चाहेंगे, ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये पांच पॉइंट फॉर्मूले पे काम कीजिए, जो भी मिसिंग है उसको आज ही चेक कीजिए और अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्ट्रांग कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मैं अभी विदा लेता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और अच्छा लेके आता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।